हेलो माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL और NCVAP के अंदर पढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हमारे एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं, दोस्तों आप लोगों का एक डाउट बार बार आप लोग पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बार बार कंटिन्यूसली आप लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं जो कि फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर के हमारे एग्ज़ाम हैं जो कि 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, दोस्तों उसके पोस्टपोन से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ राइट नाउ मार्केट के अंदर चल रही है। इनफैक्ट कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ने भी एक नोटिस रिलीज़ किया था जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं जो कि फाइनल सेमेस्टर के एंड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, दोस्तों उन सभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास गई हैं। एंड राइट नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी उन सभी रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रही है, देख रही है कि क्या उनको ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या उनको फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम को राइट नाउ पोस्टपोन करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, आप लोगों को पता है कि COVID-19 की सिचुएशन की वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है एंड कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एग्ज़ाम देने के माइंडसेट के अंदर नहीं है। तो मैंने ये चीज़ कल भी बोली थी एंड दोस्तों आज भी मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 कंफ्यूज़ मत होइए। जितनी भी फेक न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है, जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, दोस्तों उनके ऊपर बिलीव मत कीजिए। बिकॉज गाइज, अभी तक आप लोगों के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किए गए हैं। अभी तक आप लोगों के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी सिर्फ एक चीज़ बोली है, वो ये है कि आप लोगों द्वारा जो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएं, इन रिक्वेस्ट के बारे में जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी सोच रही है कि उसको इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन होंगे। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज़ मत होइए। आप लोग के एग्ज़ाम अभी तक पोस्टपोन नहीं हुए हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एंड दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ जो कि मेरा व्यू पॉइंट है। देखिए दोस्तों, COVID-19 की सिचुएशन कब तक सही होगी, कैसे सही होगी, ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी राइट नाउ एग्ज़ाम पोस्टपोन कर भी देती है तो भी इन फ्यूचर आप लोगों को एग्ज़ाम तो देने ही हैं। तो दोस्तों, इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने हो या अभी एग्ज़ाम देने हो, देने तो आपको एग्ज़ाम है ही। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगी। यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है जो कि मुझे लगता है, हो सकता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी वो मल्टीपल फेजेस के अंदर कराएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि जो स्टूडेंट इस फेज़ के अंदर एग्ज़ाम ना देना चाहे वो अगले फेज़ में दे दे, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम भी किया था। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियरिफाई नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली बोली है कि किसी भी फेक न्यूज़, किसी भी फेक वेबसाइट के चक्कर में आप लोग मत आइए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर बिलीव कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर बिलीव कीजिए। सो दोस्तों, मैं वंस अगेन आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों की जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं एंड जो एनुअल मोड के एग्ज़ाम हैं, दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम अभी तक पोस्टपोन नहीं हुए हैं। एंड जैसे ही अगर आपके एग्जाम पोस्टपोन होने से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट फेक न्यूज़ की वजह से परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फेक न्यूज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहूँगी कि दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइए, आप लोग इन फेक न्यूज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए। सो दोस्तों, यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी एंड आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे। बिकॉज दोस्तों एग्ज़ाम देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए ताकि जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम हो, आप लोग उनको अच्छे से दे सकें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।